यहाँ रात में भी दिन का चेहरा नजर आता है, तभी तो इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन टर्नवाला। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, और ये एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो ऑन पाकिस्तान का होने वाला है। और कराची का नाम तो सब ने ही सुना होगा, जो कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये पाकिस्तान का दुबई है, और क्या बोलते हैं, ये पाकिस्तान का ये मिनी मुंबई है। तो चलो हम लोग देखते हैं पाकिस्तान का मिनी मुंबई कैसा दिखता है। और वीडियो स्टार्ट करने पर से पहले यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते इसे, 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। कराची, कराची भाई सचमुच में अच्छा है ना। एक रिवायत के मुताबिक यहां सबसे पहले आबाद बलोच कबीला माही गीरी से जुड़ा था, जिनकी रोजी रोटी का वसीला। यहां बहता हर रंगो नस्ल के इंसानों का एक बहर। आबादी में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है ना, जबकि दुनिया का 11वां बड़ा शहर। ओ माय गॉड, इस शहर का चर्चा पूरी दुनिया में सुना जाता है। इस शहर को तो मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। ओ मिनी पाकिस्तान, ये शहर है ना सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों का, ये शहर है कई ममालिक से आकर बसे वासियों का। बाद अस कयामे पाकिस्तान इसी के हाथों में आया मुल्क का दारो मदार, बांट रहा है आज भी करोड़ों लोगों में रोजगार। क्या बात, यहां रात में भी दिन का चेहरा नजर आता है, तभी तो इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। सिर्फ इसी शहर को हासिल है ये सादत कि यही है हमारे अजीम लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जाए विलादत। मोहम्मद अली जिन्ना, हर किसी की मेहनत और मयार को पूरा तोलता है ये शहर, पाकिस्तान की हर जबान बोलता है ये शहर। मुल्की मईशियत में ये शहर सब शहरों पर है भारी, यहाँ स्टील, केमिकल और खाने पीने की इंडस्ट्री है सारी। ओ बिस्किट फैक्ट्री में डूबे रहते हैं दिन रात सारे, वो है यहाँ की जैनब मार्केट, तारिक रोड, हैदरी और लियाकताबाद मार्केट के खूबसूरत नजारे। यहाँ रोजगार की किस्मत इसलिए भी है हरी क्योंकि पाकिस्तान की 30% मैन्युफैक्चरिंग है इसी से जुड़ी। क्या बात है भाई, लोग तो बोलता है वो भूखे मर रहा है लोग। मुल्की और गैर मुल्की अशिया की भरमार जो बढ़ाती हैं इस शहर का खासा मायार।
यहाँ है बैन अलाकवामी तिजारत की कदीमी बंदरगाहें कराची और कासिम पोर्ट। यही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जिन्ना एयरपोर्ट। कराची की तालीम से है हर दौर में हम आहंगी। यहाँ के बड़े तालीमी इदारों में हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और 1951 में बनाई गई कराची यूनिवर्सिटी। यहाँ 9,500 किलोमीटर तक फैला है पुख्ता सड़कों का जाल। इसी शहर में मौजूद है जनूबी एशिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। पाकिस्तान का ये वो शहर है अकेला जहां सजा था क्रिकेट का सबसे पहला मेला। यहां के लोगों के दिल तकरीबन हर खेल में खिलखिलाते हैं। यहां क्रिकेट, गोल्फ, लयारी के फुटबॉल, बॉक्सिंग, फील्ड हॉकी और बोटिंग समेत बहुत से खेल खेले जाते हैं। भाई ये सब कुछ मैं आगे दिखा रहा है ना, कराची। यहां बसते हैं खानों के बेशुमार दीवाने। गुलाब जामुन, सी फूड, कड़ाही गोश्त, निहारी, कड़ाही गोश्त, हलीम, बारबेक्यू, कबाब और सिंधी बिरयानी है यहाँ के मशहूर खाने। माजी की कई अहम यादों का शहर है कराची। कौम के एक अजीम हीरो एमएम आलम का घर है कराची। खिदमत खल्क में बरसों से मशहूर है इस शहर की रहमदिली जिसे आज भी जारी और सारी रखे है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिफाही इदारा ईदी। ये शहर बहुत सी तफरी गाहों की खूबसूरती में है डूबा। यहीं पर मौजूद है पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद, मस्जिद दूबा। वेरी नाइस। वो मकाम के जिसका दीदार हर पाकिस्तानी पर है आयत, वो है यहां का आलीशान मजारे कायद। क्या बात है, के लिए रहती है हर दिल की तैयारी, वो है यहाँ का मोहट्टा पैलेस और किमाड़ी। तो भाई लोग कितना खूबसूरत है कराची जो पाकिस्तान में है। मुझे तो ये सुनने में आया था कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी है और वहाँ खाने के लिए लोग खाने के लिए नहीं मिलते हैं लोगों के। और यहाँ जो मैंने अभी देखा वीडियो में, जैसे हमारे देश भारत में महात्मा गांधी को सब लोग पूछते हैं, स्टैच्यू रहता है सभी जगह, उसी तरह वहाँ पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना का भी स्टैच्यू बना हुआ है। उनके नाम पर कॉलेज है, स्टेडियम है, मेडिकल है, सब कुछ उनके नाम पर है, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी के नाम पर है। और ये भी दिखाया गया है वीडियो में कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल, भाई क्या बात है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा।
तो भाई लोग कराची पाकिस्तान का जो है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा शहर है और यह सिंध प्रांत की राजधानी है। यह अरब सागर के तट पर बसा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसके उपनगर को मिलाकर यह विश्व का दूसरे सबसे बड़ा शहर है मेरे हिसाब से। इसके उपनगरों के को मिलाकर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह 3527 वर्ग किलोमीटर में फैला है और करीब 1.45 करोड़ लोगों का घर यहाँ पर है। कराची के अंदर यहाँ के निवासी इस शहर की जिंदादली की वजह से इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, यानी कि रोशनियों से जगमगा उठता है रात में जब उसका नज़ारा आपको देखने के मिलेगा। तो अभी आपने वीडियो में भी देखा, इसमें कहा जाता है कि कैद ए आजम जिनको जिन्ना का निवास स्थान होने की वजह से इसे सस ए कैद को बुलाते हैं। जिन्ना की जन्मस्थल के लिए प्रसिद्ध कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और यहीं पे जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका जन्मस्थल यहीं पे है कराची में। और यह पाकिस्तान का सबसे ही बड़ा शहर है। अरब सागर के तट पर बसा कराची पाकिस्तान की सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक राजधानी मानी जाती है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी माना जाता है और यह शहर पाकिस्तान में आने वाले जो अनदर कंट्री के लोग होते हैं, पर्यटक होते हैं, इनके बीच को भी खास लोकप्रिय बनाते हैं। पर्यटक यहाँ बीच, म्यूजियम और मस्जिद देखने के लिए आते हैं और यहाँ की मस्जिद जो अभी दिखाया गया है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इसका लगा। और एक नाव के डिजाइन में उसके बीच में एक गुंबद बना हुआ था, कितना खूबसूरत लग रहा था। तो भाई लोग कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा मेरा ये रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।